वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। अभी मैं आपके साथ जैसे ट्विन प्रेगनेंसी का स्टेप्स क्लियर कर रही हूँ तो आप शेयर कर रही हूँ, तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। ये सिर्फ ट्विन प्रेगनेंसी के लिए नहीं है, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए भी है। आपको इसमें क्या मेन ध्यान रखना है, जब भी एक तो आपको दो बातों का इसमें ध्यान रखना है, एक तो ब्लड प्रेशर का, दूसरा एमनियोटिक सैक का। तो एमनियोटिक सैक क्या होता है सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूँ। जब भी आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर एक बच्चे की थैली होती है जो आपको नज़र आएगी, जो आपको डॉक्टर जो है बताएंगे। तो वो उस थैली के अंदर जो है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो थैली भी बड़ी होती जाती है, और हम पूरे 9th मंथ तक वो बच्चा उसके अंदर रहता है, एक तरह से उसका वो घर होता है। उसको उसके अंदर जो है एमनियोटिक सैक होता है। जब हम बीटा SCG करवाते हैं या फिर अपना प्रेगनेंसी किट में टेस्ट करते हैं तो उसी के थ्रू जो है वो SCG लेवल जो है उसमें जाता है, जिससे हमें प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। वो हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद हमारे ब्लड में चला जाता है, जिससे हमारे बीटा SCG पॉजिटिव आता है, जिससे हमें प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। तो ये जो एमनियोटिक सैक होता है जिसके अंदर बेबी रहता है, एक वाइट कलर का पानी तरल पदार्थ होता है जो चारों तरफ बेबी के फैला हुआ होता है, जिसके अंदर बेबी बढ़ता है और उसी के अंदर जो है बेबी जो है आगे आगे ग्रो करता है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स उसी के अंदर बनते हैं। वो बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो उसके लिए क्या होता है कि वो हमारे पूरे 9th मंथ तक उसका लेवल जो है वो ठीक रहना चाहिए, वो बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो उससे बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उससे क्या प्रॉब्लम, मेरे साथ भी ऐसे 2 बार हो गया। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही अपने जो है पानी ज़्यादा पीना है, जितना आप पानी पियेंगे उसका लेवल उसका बढ़ता जाएगा, ठीक रहेगा, मतलब कि ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ज़्यादा होने के रीज़न्स तो ये हैं कि इसमें मैं आपको ज़्यादा या कम होने के रीजंस भी बताऊंगी। क्या होता है कि जैसे बेबी है, बेबी जो एमनियोटिक सैक वो किस तरह से काम करता है, वो जैसे जैसे बेबी अंदर सक करने की कोशिश करता है, जो मदर का जो फीड वो लेता है वो सक करता है, तो वो अपने अंदर से ही पेट से ही सीख कर आता है सकिंग करना। तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे वो यूरिन पास करता है अंदर, जब यूरिन पास करेगा तो जैसे जैसे वो यूरिन पास करेगा उस यूरिन को वो खुद ही पीता है और खुद ही फिर उसी में यूरिन को छोड़ देता है। तो इस तरह से वो उसका काम करता है। तो अब कम कैसे होगा, कम तब होगा जब वो जो है पी तो रहा है लेकिन यूरिन नहीं कर रहा है, तो इस तरह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, या पानी कम पी रहे हैं, ये 2 रीजंस हो सकते हैं। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है और सकिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इसमें 2 तरह के इसमें रीजंस होते हैं। तो इसका आपको बता रही थी कि वो एमनियोटिक सैक जो है वो बच्चे के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से उसके लेवल जो है वो ज़्यादा ही कम हो जाता है। तो अगर उसका लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उससे। अगर वो हमारी प्रेगनेंसी के 6th या 7th मंथ में कम होना शुरू हो जाता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, और अगर वो लास्ट में जाके दिक्कत आ जाती है तो हमें ऑपरेशन करना पड़ सकता है, अगर हमारे नॉर्मल के चांसेस होते हैं तो भी। और तो इसमें आपको जो है स्टार्टिंग से ध्यान रखना है, आपको लिक्विड बहुत ज़्यादा लेना है, आपको नारियल पानी लेना है, आपको जूस लेने हैं, आपको फ्रूट ज़्यादा खाना है, आपको कोई भी वेजिटेबल्स ऐसी खानी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये लिक्विड ज़्यादा लेंगे तो आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कम होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होगी, और आपको जो है ये सब दिक्कतें कम होंगी, और अपना आपका जो एमनियोटिक सैक का जो लेवल है वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ब्लड प्रेशर से बचने के लिए आपको शुरू से जो है, जैसे मैंने आपको बोला कि फ्रूट लो, जूस लो, इसके लिए भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़े ना तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी ब्लड प्रेशर की वजह से। आप मानेंगे कि जो मुझे PGI में एक इंजेक्शन दिया गया था वो मैं आपके साथ एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से मैंने उससे, उन्होंने मुझे ये ब्लड प्रेशर से बचाया, जो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, जान के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो ये ब्लड प्रेशर से बचने के लिए आपको जो है शुरू से नमक कम खाना है, अपनी जो है जो भी वेजिटेबल्स आप बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपने नमक डाल दिया, जो पकते टाइम आपने नमक डाल दिया वही ठीक है। अगर कम है और आप सोचेंगे ऊपर से हम नमक डाल दें तो वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है।
तो आपको नमक जो है वो कम लेना है शुरू से। कॉफ़ी बहुत कम पीनी है अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर कॉफ़ी पी जाती है ज़्यादा, तो कॉफ़ी कम से कम लेनी है, ना के बराबर ही लेनी है। जैसे कि समर है तो आप कॉफ़ी बिल्कुल भी ना पीजिए। चाय आपको बिल्कुल कम लेनी है, एक कप से ज़्यादा नहीं लेनी है पूरे दिन में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूध वगैरह आप पी सकते हैं। आपको कोई भी ऐसी चीज़ फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना है, क्योंकि इसमें ट्विंस में या नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो आपको जो है कई बार ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और ब्रीथिंग की प्रॉब्लम जो है अगर हम फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाती है। आपको नॉर्मल घर का खाना खाना है। अगर कोई चीज़ खाने का अगर मन कर भी रहा है आपका, कोई ऐसी चीज़ फास्ट फूड वगैरह खाने का मन कर रहा है, तो कोशिश कीजिए अगर आप उसे घर में बना सकते हैं तो घर में बनाइए, बाहर से मत लीजिए। क्योंकि बाहर में जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो अच्छा नहीं होता, जो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है। तो आपको इन दो बातों का प्रॉपरली ध्यान रखना है। एक एमनियोटिक सैक का जो लेवल है वो डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉपरली ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को आप जितना ध्यान रखेंगे आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथ चलेगी और आगे जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपके साथ बहुत सी वीडियोस शेयर करना चाहती हूँ, बहुत से इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, वो हम आपके साथ स्टेप वाइज शेयर करती रहूँगी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कोशिश कीजिए कि मेरी वीडियो को आगे से आगे आगे आप शेयर कीजिए और उनसे, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आपके घर में अगर फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं अगर आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करिए तो उनसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कराइए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।